हेलो हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग फूड गुड आइडिया गुड वर्क में आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और गणेश पूजा के लिए मैं गणपति के लिए स्पेशल एक लड्डू, सात्विक लड्डू बनाने जा रही हूँ फ्रेंड। तो चलिए कैसे बनाती हूँ आप सब मेरे साथ बने रहना। चलिए गैस जला लेती हूँ और मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है फ्रेंड। और ये रही, इसको बोलते हैं हम लोग के यहाँ बोलते हैं बिहार में सिंघाड़ा का आटा, पानी फल अगर आप लोग जानते हो वो कच्चा पानी फल उसको हम लोग बोलते हैं, उसी का आटा है। और ऐसे पैकेट पे फरारी उपवास का आटा बोला जाता है। मैंने एक कटोरी लिया है फ्रेंड। अब चलिए इस सात्विक लड्डू के बनाने के लिए इसे कढ़ाई में मैंने बिना घी का डाल दिया है फ्रेंड। अब इसे धीरे धीरे रोस्ट करना है। अब इसे लो फ्लेम से रोस्ट करना है। इसमें घी नहीं डालना है अभी फ्रेंड, घी डालूंगी लेकिन अभी मैं सूखा ही इसे रोस्ट करूंगी। इसे लगातार लेकिन चलाते रहना है फ्रेंड। अगर थोड़ी सी भी गैप हो तो आप इसे बीच से साइड कर दो ताकि हमारी जो आटा है वो जले नहीं। इसे धीरे धीरे ही रोस्ट करना है। मैं दिखाती हूँ रोस्ट होने के बाद इसका कलर कैसा होगा फ्रेंड, आप मेरे साथ बने रहना। चलिए हमारे ये फरारी आटे भून कर रेडी है फ्रेंड। भूनना इतना है फ्रेंड लो फ्लेम पे, इसमें से भूनने के बाद जो खुशबू आती है वो खुशबू आनी चाहिए, इतनी देर ही इसे भूनना है। जैसे मैंने इसे 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे भूना है। और कढ़ाई आप जो भी लेना फ्रेंड, मोटे तले वाली लेना। तो चलिए इसे अब निकाल देती हूँ। तो मैंने फरारी आटे को निकाल लिया फ्रेंड। अब चलिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक कटोरी मखाने। मेरे पास छोटे बड़े मिक्स वाले मखाने हैं। अब इसे धीरे धीरे रोस्ट करना है फ्रेंड। अब इसे भी बिना घी का ही बहुत अच्छे से इसे रोस्ट करना है। चाहे आपको टाइमिंग जितनी लगे, 10 मिनट लगे, 12 मिनट लगे, आपको इसे लो फ्लेम पे इसे धीरे धीरे रोस्ट करना है। इतनी रोस्ट करना है कि ऐसे आप उंगली से दबाओ तो ये क्रश हो जाए, टूट जाए। ठीक है, तो चलिए अब इसे धीरे धीरे रोस्ट करते हैं। मखाने भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है फ्रेंड। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखो इस तरह से, देखो अब इसे थोड़ी ठंडी होने देती हूँ, किसी बात दूसरे पॉट में निकालती हूँ और इसे ठंडे होने के लिए छोड़ती हूँ। गैस अभी बंद करती हूँ फ्रेंड, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। चलिए अब इसे निकाल देती हूँ। इन सबको अब निकाल लेती हूँ और 5 मिनट ठंडा होने देती हूँ। चलिए ठंडी हो गई है फ्रेंड। अब इसे पॉट में ट्रांसफ़र करती हूँ और इसे दरदरा क्रश करती हूँ। हमारे गणपति बप्पा मोदक, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू खा खा कर बोर हो गए फ्रेंड। हम लोग तरह तरह के वैरायटी खाते हैं मार्केट में जाकर। हमारे गणपति बप्पा को एक तरह का ही भोग लगाते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज गणपति बप्पा के लिए स्वाद सात्विक लड्डू बनाती हूँ। तो चलिए इसे न बहुत
पतली करनी है और ना मोटी, इतनी बारीक रखनी है फ्रेंड कि लड्डू बांधने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मखाने को मैंने थोड़ी सी को दरदरा रखा है, देखो फ्रेंड थोड़ी दरदरा रखा है, इससे लड्डू की खाने में बहुत अच्छी टेस्ट आएगी। और बाकी को इसे पतली बनाया है, देख लो ऐसी, ये भी दरदरी खुरखुरी है, ऐसी नहीं है कि बारीक मैंने आटा की तरह ही पीस दिया है, थोड़ी सी दरदरा है और ये थोड़ी मोटी है इसमें, ठीक है। अब चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। अब मैंने कढ़ाई में शुद्ध घी, देसी घी को डाला है फ्रेंड, और घी इतनी आपको डालनी है कि लड्डू भींगी भींगी दिखे, मतलब सूखी सूखी ना लगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी एक दरदरी वाली मखाने, बारीक वाली को कब डालूंगी आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहना फ्रेंड। आप लोग तो कुकिंग चैनल को स्किप कर देते हो फटाफट, लेकिन कहीं कहीं पे मिस हो जाती है फ्रेंड, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से पूरी देखें ताकि हमें भी वीडियो की मेहनत जितनी लगती है बनाने में हमें भी अच्छा लगे और आपको भी बनाने में असुविधा नहीं हो। देखो पहले मैंने कितनी घी डाली है, ये हमारी मखाने दरदरी वाली बिल्कुल पतली दिख रही है, इसे 2 मिनट अच्छे से भुनना है घी के साथ। लड्डू बनाने के लिए फिर चाहे आप बेसन से बनाओ या बूंदी बनाते हैं, तो बूंदी भी बनाते हैं तो हम लोग कच्ची बूंदी तो नहीं रहेगी तो लड्डू बिल्कुल चूर हो जाएगी, तो उसके लिए भी उसे भी अच्छे से कुरकुरी करनी पड़ती है, तलनी पड़ती है, कच्चा नहीं निकले। इसलिए किसी भी बेसन का बनाओ या बूंदी का बनाओ या आटे का बनाओ फ्रेंड, उसे अच्छे से लड्डू के लिए भूनना ज़रूरी होता है, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगी। तो इसे भी 2 मिनट घी के अंदर भूनना है, उसके बाद आगे क्या इसके साथ कौन सा आटा पहले डालती हूँ। देखिए इसके अंदर उबाल आ रही है, मतलब ये अच्छे से भून गई। अब इसके अंदर चलिए इससे पतली वाली जो मखाने थी उसे मैं इसके अंदर डालती हूँ, बारी बारी एक साथ कभी मत डालना फ्रेंड, नहीं तो हमारी लड्डू अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। अब इसे भी घी के अंदर अच्छे से 2 से 3 मिनट रोस्ट करूँगी इसे भी, और घी की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड तो मैं और भी घी इसमें थोड़ी डालूँगी, तब तक इसे रोस्ट होने के लिए 2 से 3 मिनट छोड़ती हूँ, इसके बाद देखती हूँ कितनी घी की ज़रूरत हमें पड़ेगी। चलिए मखाने तो अच्छे से भून गए फ्रेंड, अब इसके अंदर मैं फरारी आटे को डाल देती हूँ और देखती हूँ कि कितनी इसमें घी की ज़रूरत, कितनी नमी दिखती है इस आटे के अंदर, उसके बाद बाकी घी की ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि घी तो लगती है फिर घी लगेगी तभी लड्डू अच्छी बनेगी। आप समझ लो जस्ट लाइक बेसन के लड्डू, बेसन के लड्डू में भी तो फ्रेंड इतनी घी रहती है तो बिल्कुल गीली गीली दिखती है। अब इसे भी अच्छे से 2 से 4 मिनट इसे भूनने देती हूँ, तब पता चलेगा फ्रेंड कि कितनी मुझे इसमें घी की ज़रूरत है।
में थोड़ी और घी लगेगी फ्रेंड, इसलिए मैं थोड़ी ऊपर से घी डाल रही हूँ। आप मैंने बताया फ्रेंड कि इतनी घी डालनी है कि आपके लड्डू जैसे बेसन के लड्डू बनाते हो उससे थोड़ी कम लगती है, ठीक है। लेकिन घी लगती है फ्रेंड, मैंने कोई नाप कर तो नहीं डाला। अब हमारी ये फरारी आटे भी अच्छे से घी के साथ भून गए हैं। अब घी मैंने अभी डाला है, इसलिए 2 मिनट इसे अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेती हूँ। फरारी आटे पता नहीं आपके यहाँ मिलती है नहीं, लेकिन मिलती जरूर है। ये फलाहारी जब आप कोई व्रत करते हो तो उसके लिए इसे हलवा बनाया जाता है, बर्फी भी बनती है, फिर बहुत सारे आइटम इसके इससे बनती है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आगे भी बर्फी भी बनाऊंगी। अगर आप बताएंगे तो आप लोग कमेंट करते रहिए ओके। हमारी ये कुकिंग कैसी लगती है आपको, कम से कम ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। चलिए ये रेडी हो गई है, अब मैं गैस बंद करती हूँ और इसे 2 मिनट ठंडा होने देती हूँ। इसके बाद इसमें क्या क्या और डालना है। चलिए अब 2 मिनट ठंडी हो गई है फिर। ठंडी का मतलब इतनी ठंडी नहीं हुई है कि आप इसे हाथों से लड्डू बना सको। और आधी कटोरी चीनी पाउडर, आप चाहो तो गुड़ भी डाल सकते हो। चलिए अभी इन सबको एक साथ मिक्स कर देती हूँ। अगर बहुत गर्म में आप चीनी पाउडर डालोगे फ्रेंड तो मेल्ट हो जाएगी चीनी और लड्डू कड़क हो जाएगी, हार्ड बन जाएगी। इसलिए 2 मिनट ठंडे होने के बाद ही आप इसे इसमें बूरा ऐड करो, बूरा हो चीनी पाउडर हो। और गुड़ भी बिल्कुल बारीक करके डाल सकते हो। चलिए इन सबको एक साथ मिक्स कर दिया। और इसके बाद इसे जब हाथों से देख लेती हूँ फ्रेंड, अभी थोड़ी गर्म है तो थोड़ी 2 मिनट रुक जाती हूँ, उसके बाद इसके लड्डू बनाएंगे। आप चाहेंगे फ्रेंड तो इसमें ड्राई फ्रूट्स में बादाम काजू डाल सकते हो। टेस्ट वाली कोई भी ड्राई फ्रूट फ्रूट्स इसके अंदर नहीं डालनी है, हम लोग नहीं डालते हैं, इसका टेस्ट थोड़ा बिगड़ जाता है। इसलिए ना तो इसमें इलायची पाउडर डालती हूँ और ना ही कोई ड्राई फ्रूट्स। आप काजू और बादाम डाल सकते हो, ठीक है। मैं इसके अंदर सिर्फ लौंग 2-4 डालती हूँ। तो बांधने से पहले अब इसमें लौंग 2-4 डाल देती हूँ। इलायची इसके अंदर नहीं अच्छी लगती है, इलायची का टेस्ट बिल्कुल ही लड्डू में अच्छी नहीं लगती है, फरारी लड्डू में, इसलिए मैं इसमें नहीं डालती हूँ। तो चलिए लौंग 4 से 5 लौंग को डाल दिया, खड़ा खड़ा ही डाला है फ्रेंड। इसमें अच्छी खुशबू भी आ जाएगी लड्डू के अंदर और लड्डू खाने में भी अगर आएगी मूड तो अच्छी लगेगी। इसका चूर कर लौंग नहीं डालती हूँ, ठीक है। अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ, उसके बाद लड्डू बनाती हूँ। चलिए देखती हूँ फ्रेंड कि ठंडी हो गई है कि नहीं, लेकिन ठंडी तो हो गई है। अब इसमें थोड़ी सी पानी के छींटी लगाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घी अगर डाल देंगे फ्रेंड तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। बेसन के लड्डू में बहुत ज़्यादा घी आप डालो तो
चल जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा घी से लड्डू का टेस्ट अच्छा नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने हल्का सा पानी के छींटे मारे हैं। अब इसे लड्डू को बनाना शुरू करती हूँ फ्रेंड। आप जितनी बड़ी साइज का बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, ठीक है। आप ये मत सोचना है कि इसमें पानी का छींटे मारने से लड्डू खराब हो जाएगी। आप इसे आराम से महीने भर रखकर फ्रिज में खा सकते हो। अब इसी तरह से सारे लड्डू को बना लेती हूँ फ्रेंड। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कैसी लगती है ये हमारी लड्डू। ठंडी हो गई है तो इसे जल्दी जल्दी फटाफट इसे बनाना है फ्रेंड। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है और थोड़ी ज़रूरत पड़े तो आप और भी पानी के छींटे दे सकते हो। चलिए हमने सारे लड्डू बना लिए। अब चलती हूँ, थोड़ी गार्निश कर देती हूँ ताकि हमारे गणपति बप्पा को अच्छी लगे, पसंद आए ये सात्विक लड्डू। तो आप सब भी इस सात्विक लड्डू को बनाना फ्रेंड, और मुझे कमेंट करके बताना कि हमारी ये सात्विक लड्डू आपको कैसी लगी, ठीक है। और हमें कमेंट भी करें फ्रेंड, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड। और मैं वेडनेसडे को लाइव आती हूँ फ्रेंड रात्रि 9 बजे। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ना फ्रेंड, और कमेंट करना, शेयर भी करना फ्रेंड। तो चलिए सात्विक लड्डू हमारी बनकर रेडी है फ्रेंड। अब आप सब मुझे बताना कि हमारी ये सात्विक लड्डू आपको कैसी लगी। ओके, बाय बाय।